और रेगुलर क्लासेस गामा के क्लासेस की क्लास 12 की कंप्लीट मैथ आपको कराई जा रही है और आप रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे और चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। किसी प्रकार में कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी अभी टॉपिक आपको कंप्लीट कराए गए हैं सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रॉपर में समझ में आए होंगे और बेटा आपको क्लासेस जो आप रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे उन क्लासों में आपको बेनिफिट भी देखने को मिल रहा होगा, यानी कि आपकी चीज़ें आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था, उनसे एक एक हमने एक दो क्वेश्चन भी लगाए हुए थे। आज भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक को क्लियर करेंगे। बेटा एक बार मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस अब तक क्लियर पहुंची है या फिर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है भी तो बेटा मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको 100% बता रहा हूँ कि चीज़ें आप अगर रेगुलर क्लासेस लेंगे तो आपके अच्छे से डाउट क्लियर होंगे, किसी प्रकार की कोई कोचिंग कोई इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आज हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा, ऐसा क्वेश्चन जो हमारा कॉम्पिटिशन से लेके हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल है। इससे रिलेटेड हमारे कई क्वेश्चंस बनते हैं, साइन कॉस सभी के फॉर्म में बनते हैं। तो हमने आपको साइन के फॉर्म में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसको हम बहुत ही अच्छे वे में आपको समझाएंगे और आपको क्लियर कराएंगे। देखो यहाँ पे हम उस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई थी। ये हमारी बेटा एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक 7.9 के क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दें। सबसे पहले गिवन आउट फंक्शन को हम लेट कर लेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 √sin x एंड √cos x एंड dx। नहीं है बात समझ में, इंटीग्रेशन 0 to π/2 √sin x + cos x। इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी थी उसमें प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हमें नीचे डिनोमिनेटर यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट 0 हो और ऊपर हमारी कोई a हो, तो एफ एक्स फंक्शन दिया हो और हमें dx करना हो तो क्या करेंगे, लिमिट एज इट इज रहेगी और यहाँ पे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस x, आई बात समझ में, एंड dx। इस प्रॉपर्टी के बेस में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखो, 0 to π/2 एंड √sin π/2 माइनस थीटा अपॉन √sin π/2 थीटा नहीं होगा क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x, तो x लेंगे, π/2 माइनस का x प्लस √cos π/2 माइनस का एक्स, नहीं है बात समझ में, एंड डीएक्स। क्लियर हुआ, आई होप आपको इतनी चीजें आपको प्रॉपर में क्लियर हुई और आपको समझ में आया। अब बेटा हमारा ये क्या चल रहा है, आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0 to π/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा कितना, sin 90 - θ हो जाएगा cos θ, sin 90 - θ = cos θ, यहाँ पे एंगल एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स। इसी तरह डिनोमिनेटर में sin 90 - θ यहाँ पे हो जाएगा cos x, यहाँ पे हो जाएगा √cos यानी कि sin x। ये हो गए इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को प्लस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आपस में सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, i को i के साथ प्लस करेंगे, i को LHS प्लस LHS होगा एंड RHS प्लस RHS होगा। तो RHS में हमारा हो जाएगा कॉमन, क्या लिमिट हमारी सेम है यानी कि π/2 एंड 0 to π/2, लिमिट क्या है सेम, डिनोमिनेटर दोनों के क्या है सेम है, तो जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो LCM भी क्या आएगा सेम आएगा, यानी कि cos x एंड √sin x एंड इसी तरह नोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा √sin x। ध्यान से देखो बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, एंड dx। इसका मतलब हो गया ये 1 यानी कि यहाँ पे आया 2i, क्या आया 2i
एंड यहाँ पे आया जीरो टू पाई बाई टू एंड वन एंड डी एक्स, नहीं बात समझ में, यहाँ पे आया एक्स एंड एक्स की लिमिट हो जाएगी जीरो टू पाई बाई टू एंड यहाँ पे आया टू आई, क्या आया टू आई, यहाँ पे हमारा क्या आया ध्यान से देखो टू आई इक्वल टू यहाँ पे अपर लिमिट यानी कि पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट यानी कि जीरो, यानी कि आई इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या पाई अपॉन फोर, आई इक्वल टू आया हमारा पाई अपॉन फोर। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रॉपर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया। बेटा किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें आपको अच्छे से प्रॉपर वे में समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। ओके अब हम बेटा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, यानी ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रॉपर वे में समझ में आया। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे वे में और बहुत ही इजी वे में हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा क्योंकि बहुत ईजी वे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं और एक एक स्टेप और एक एक फॉर्मुलों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। और मैं एक क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चंस इसलिए लगाता हूँ और एक एक क्वेश्चन इसलिए लगाता हूँ कि हो सकता है उसमें से कोई भी क्वेश्चन हो आपका कहीं फंस ना रहा हो। तो हमें क्या करना है आपको अच्छे से स्टडी प्रोवाइड करनी है। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जीरो टू पाई बाई फोर। देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके करेंगे क्वेश्चंस को तो आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर भी पाएंगे। ठीक है, आई बात समझ बेटा, बिल्कुल बात समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा उसी प्रॉपर्टी के बेस्ड होगा, ये कि जो अभी हमने लास्ट में प्रॉपर्टी आपको कंप्लीट की है वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल काम होता है वो होता है गिवन आउट फंक्शन को हमें I के फॉर्म में लेट कर लेते हैं, हम गिवन आउट फंक्शन को I के फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा कितना साइन की पावर फोर एक्स अपॉन, यहाँ पे होगा हमारा साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स एंड डी एक्स, नहीं आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी। इसको इज्जत से इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको इज्जत से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो, अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी हमारी जो प्रॉपर्टी अभी हमने लगाई थी क्या प्रॉपर्टी थी जीरो टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स एंड डी एक्स। आई बस समझ में, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो बेटा मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं आपके 100% बता रहा हूँ कि आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है भी तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। गामा के क्लासेस आपकी हर प्रयत्न आपकी हेल्प करेगा और आपको चीज़ें क्लियर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जीरो टू पाई बाई टू एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, यही प्रॉपर्टी जो अभी हमने प्रॉपर्टी को यहाँ पे नोट डाउन किया है, यानी कि अपर लिमिट क्या है बेटा यहाँ पे है पाई बाई टू माइनस का एक्स एंड यहाँ पे पावर फोर एज इट इज जाएगी। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारी पावर लग जाएगी फोर एंड यहाँ पे हो जाएगा एंगल के प्लेस में पाई बाई टू माइनस का एक्स प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस की पावर फोर पाई बाई टू माइनस का एक्स एंड डी एक्स। कितने स्टूडेंट को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ रहा है बहुत ही जल्दी मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगली चीज आती है हमारी यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर फोर पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अभी हमने आपको बताया था क्या होता है बेटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ एंगल दिया है एक्स, यहाँ पे एंगल दिया है एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस की पावर फोर एक्स, नहीं आया समझ में, कह दो नहीं आया, बिल्कुल आ गया। यहाँ पे इसी तरह हो जाएगा क्या कॉस की पावर फोर एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर फोर एक्स, ये क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड लेट कर लेंगे।
ये इक्वेशन नंबर हम सेकेंड लेट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को आपस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को आपस में हम प्लस करेंगे, तो आई को आई के साथ प्लस करेंगे, यानी कि एल एच एस वाले टर्म्स को एल एच एस के साथ और आर एच एस वाले टर्म्स को आर एच एस के साथ प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो लिमिट सेम है, लिमिट सेम है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो एंड पाई बाई टू एज इट इज रहेगा। अब देखो डिनोमिनेटर कॉस की पावर फोर एक्स साइन की पावर फोर एक्स यहाँ पे है इक्वेशन सेकंड में, और इक्वेशन फर्स्ट में साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स इक्वेशन वन में है। अगर हम एलसीएम लेंगे, ध्यान देना बेटा, एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स। कह दो नहीं आया आपको, इतनी चीज समझ में आई होगी, मैंने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम। जब इन दो टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आएगा। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे जो होगा कॉस की पावर फोर एक्स कॉस की पावर फोर एक्स आएगा, एंड यहाँ पे जो होगा साइन की पावर फोर एक्स साइन की पावर फोर एक्स आएगा। बेटा आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली होगी। यह हो जाएगा डी एक्स, ये से ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे आया क्या, ध्यान से देखो 0 टू पाई बाई टू एंड यहाँ पे आया 1 एंड यहाँ पे आया डी एक्स, ये आई और आई हो गया 2i, नहीं आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। अब देखो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू यहाँ पे 1 का जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आता है क्या है बेटा, ध्यान से देखो x आता है, क्या आता है, x आता है, और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई टू। अब हम लिमिट को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस का 0, पाई बाई टू माइनस का 0। तो सो यहां पे हम देखो लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो 2i इक्वल टू पाई बाई टू एंड i इक्वल टू आया पाई बाई फोर। इसकी ज्यादातर क्वेश्चंस के जो आंसर आते हैं वो आते हैं पाई बाई फोर के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आंसर को भी फोकस करना है, अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि जो हमारा आंसर आएगा लगभग हमारा क्या आएगा, पाई बाई फोर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रॉपर में चीजें समझ में आएंगी और आपको आपको टॉपिक भी क्लियर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने स्टूडेंट को समझ में आया बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स का रिस्पांस भी देता हूँ। तो आपको रेगुलर क्लासेस क्या करनी है, अटेंड करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, गामा के क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छी स्टडी प्रोवाइड करा रहा है। आपको क्या करना है, एक फोकस होकर क्लास को अटेंड करना है जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अर्न करने से कोई ना रोक पाए। ठीक है, चलिए जल्दी से कंप्लीट करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर हम करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन, एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे हम फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, फाइनली कंप्लीट करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम रेस करते हैं पहले। तो ठीक है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, डिस्कशन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे गया है बेटा, आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम सुधार सकते हैं, और गामा के क्लासेस आपको अच्छी स्टडी प्रोवाइड करा रहा है, और आपको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास अटेंड करनी है। बेटा चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक और शेयर होगा बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइक और शेयर को